इसका एक को बंद कर दो। आपको पता ना मैं शहरी नहीं हूँ, देहाती आदमी। हम कहते हैं वो तो शहर कराची के हैं, हम सरगोधा छोटे से देहात के हैं। मौलवी देहात का वो तो स्पीकर देहाती होना जरूरी है। मौलवी देहाती हो स्पीकर शहरी हो, तो मौलवी और स्पीकर आपस में लड़ते हैं, मसला समझ नहीं आता। ये जो खड़े हैं या तो आप चले जाओ या बैठ जाओ। ये जो खड़े हैं ना आप जो सूर्य जो ताना पॉइंट के जगह में सूर्य जो होते तो आगे थोड़ा सा बाबा ताना दोस्त उठिए जो तो रोड़ते आगे उठिए जो दोस्त तो रोड़ते उठिए जो दोस्त बाबा ताना उठिए जो रोड़ते अच्छो रे जगह लाई पिया उठिए जो रोड़ते अच्छो मेहरबानी करे उठिए जो रोड़ते जो दोस्त पॉइंट के जगह मिले। हां तवज्जो रखो भाई शाबाश। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हम कहते हैं आगे हो जाओ आप पीछे देखते हैं, ये जी बात है। हम कहते हैं आगे आगे हो जाओ आप पीछे देखते हैं। देखो जो खड़े हैं ये चले जाओ या बैठ जाओ, आप फैसला करो या चले जाओ या बैठ जाओ। ये जो लोग खड़े हैं आप आगे आ जाओ, ये मोटरसाइकिल पर बैठे आगे आ जाओ। ये जो मोटरसाइकिल खड़े आगे आ जाओ, इधर तुम्हें उर्दू नहीं समझ आती, आ जाओ शाबाश। शाबाश जल्दी करो, जितना जल्दी बैठोगे हम जल्दी बयान शुरू करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम तो नज्म व ज़ब्त का नाम है। जमीयत भी हो नज्म ही ना हो फिर जमात तो ना हुई ना। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका ला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هر ابتداء سے پہلے ہر انتہاء کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہاء کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہاء کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد दुनिया में जिस कदर इहतराम के काबिल है लोग दुनिया में जिस कदर इहतराम के काबिल है लोग मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे नहायत वाजिबुल इहतराम बुज़ुर्गों, मसलक अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान दोस्तों और भाइयों, हमारा आज का जलसा जो जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम है, मौलाना गुलशेर भाई अफजल और दीगर इसके मेज़बान हैं जिनमें सब का नाम मुझे नहीं आता। हमारे इस जलसे का उन्वान है अजमत कुरान। अजमत कुरान के उन्वान पर आपने मुझसे कबल भी गुफ्तगू सुनी है, वैसे भी सुनते हैं, लेकिन मेरी गुफ्तगू खतीबाना नहीं होती वकीलाना होती है, इसलिए मुझे अपनी गुफ्तगू के दौरान आपका शोर नहीं चाहिए, आपकी खामोशी चाहिए।
गुफ्तगू के दौरान जितना शोर हो खतीब उतना खुश होता है, और ना शोर हो तो शोर कराता है, सुभान अल्लाह को ऊंचा को ये शोर मैं नहीं कराता। क्यों? मैं आपके मसलक का खतीब नहीं हूँ, मैं आपके मसलक का वकील, और जितनी खामोशी हो वकील को दलाइल देने में उतनी ज़्यादा आसानी होती है, और वकील भी आपका बिला तोकील हो, बिला तोकील समझते हैं, जिसको वकील न करे फिर भी वकालत करे, और वकील भी इतना सस्ता कि शायद आपको अपने तालका में भी इतना सस्ता वकील न मिले जितना मैं सुरगोदे से सस्ता आता हूँ, इतना सस्ता वकील आपको कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह इस वकालत को कबूल फरमा ले। मेरी ख्वाहिश होती है कि बस हमारे बयान सुने और कुछ कुछ बर्दाश्त करें, ज़्यादा नहीं, पूरा तो बर्दाश्त मुझे आप नहीं करते, कुछ कुछ करें बस इतना काफ़ी है। मैं इस गलत फहमी में शिकार नहीं हूँ कि मुझसे सारे प्यार करते हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कुछ प्यार करते हैं कुछ नहीं करते, ये मेरे साथ भी है औरों के साथ भी है, कोई अनोखी बात नहीं है, ये हर जगह पर हर किसी के साथ होता है। डॉक्टर अलामा खालिद महमूद समरू नवर अल्लाह मरकद हो, वो मुझसे कितना प्यार करते थे कम अज कम यहाँ की जमीयत उसका अंदाजा नहीं कर सकती। सरगोदा खत्म कॉन्फ्रेंस में गए, मेरे पास गए, मेरे पास रहे, मुझ ही से वापस आए। वहाँ की जमीयत ने पूछा कि मौलाना सरगोदा दोबारा कब आएंगे, फरमाया जब मौलाना लियाज को मन कहेगा तब आऊँगा। इसे प्यार कहते हैं। मौलाना फजलरहमान साहब दामत बरकातम सरगोदा गए इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में, सवाए मेरे मदरसे के सरगोदा किसी मदरसे में नहीं गए, इससे ज़्यादा प्यार किसको कहते हैं। ये मैं वाकयात इसलिए बताता हूँ कि बाज़ हज़रात को मेरे बारे में गलत फहमी होती है कि शायद इसका जमीयत से ताल्लुक नहीं है या कम है, ये आपकी गलत फहमी अपनी दूर करें। हम जैसा वकील आपको तलाश करने से नहीं मिलेगा, कभी सियासत पे बयान चाहें तो हमें बुलाएं और फिर सियासत पे बयान कराएं। अभी तो आपने सियासत पे हमारा कभी बयान सुना ही नहीं है ना, तो आपको क्या पता कि मौलाना गुमर सियासी कितना है, आपके दिलों में नहीं है। आप हजरात के मौलाना फजलरहमान फोन सुनते हैं नहीं सुनते मुझे नहीं पता, आप जैसे मैं आजमाना चाहे तो मैं यहाँ फोन कर देता हूँ, अगर बैठे हुए वापस काल नहीं तो मुझे कहना, आपको अंदाजा होगा मौलाना मुझसे प्यार की तरह करते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता नहीं है इसलिए अरबी का जुमला है अन्नासु आदा उल्लिमा जाहिलु, जिस बात को लोग न समझे उससे दुश्मनी भी कुछ कुछ रखते हैं, ये हमारा अंदाजा है बड़ी अच्छी तरह। मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि डॉक्टर कितना बड़ा आदमी था, जब क्या है तो आपको फिर पता चला है। जब तक इंसान जिंदा हो लोग जीने की सजा देते हैं, जब मर जाए तो फिर रोते हैं। अल्लाह के लिए तर्ज अपना बदल दो, मसलक देवबंद की कदर करो, अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी जमीयत की मैंने मुल्क में जंग लड़ी है तुम्हें नहीं पता, वो मौलाना फजलरहमान को पता है, जमीयत को पता है कि मैंने आपकी कितनी जंग लड़ी, आपको अंदाजा नहीं है। आपके मदरसों पर परचम कितनी दूर से नजर आता है मुझे नहीं पता, आपको भी सरगोदा आए तो मेरे मदरसे पर जमीयत का परचम 2 किलोमीटर दूर से नजर आता है। मुझे आपका संभालना नहीं चाहिए, मेरी गलत नहीं है, मैंने पहले आपसे कहा आप कहें आपकी मर्जी ना कहें आपकी मर्जी, हम कभी नहीं कहें सुबहानो, क्यों आदमी बात ऐसी करे कि सामने खुद के सुबहान ये है सुबहान अल्लाह, कहलवाना ये सुबहान अल्लाह नहीं होता, ये जबर होता है और हम जबर के कायल नहीं है। जमीयत तो खास तौर पे जबर के कायल नहीं है, आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं ना, अपने मिजाज को नाफिज करें, मिजाज और होता है बातें और करते हैं फिर कारकुन बात समझ नहीं पाते। अल्लाह हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरा 2 दिन कबल वहाँ लड़काना मौलाना राशिद से मुलाकात भी थी, खाना भी खाया, किरूला भी किया, जोर की नमाज भी पढ़ी, दौर हदीस के तलबा में बयान भी किया, तो मैंने वहाँ भी कहा कि मौलाना राशिद आप जो काम करते हो ये आपके बस में नहीं है, या उस पगड़ी का तबर्रुक है जो डॉक्टर की है और तुम्हारे सर पर है, आप तबर्रुक के कायल हैं कि नहीं, नहीं कायल तो फिर मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मौलाना के पास कुरान भी है। इन आयत मुल्क हारून इस संदूक में मूसा और हारून के तबर्रुकात थे जिनकी बरकत से अल्लाह उनको फतह अता फरमाता है। ये कुरान पढ़ाई है अभी तो हमने स्टार्ट की है, हमारे बारे में किला है कि देवबंद के पास कुरान नहीं, झूठ मत बोलो कुरान नहीं है,
देवबंद के पास कुरान भी है, देवबंद के पास हदीस भी है, और कुरान हदीस को समझाने वाले बिहम्दिल्लाह काबिल और अफराद भी हैं, और हम अपने अकाबिर पर एतमाद भी करते हैं और भरपूर करते हैं, न समझ आए तब भी करते हैं, समझ आए तो तब भी करते हैं। ये मेरे जुमले जेहन में रखा करो, आप बहुत कमजोर बुजदिल कमजोर लोग हो, तुम्हें समझ आए तो फिर पॉलिसी मानते, ना समझ आए तो फिर नहीं मानते, हमें ना समझ आए तो फिर भी मानते। जिस दिन आपका कारकुन इस सतह पर आ गया ना, फिर आपकी फतह है। ये जो एतमाद पे लेने वाली बात है, हर दूसरे दिन एतमाद मिलो, फिर एतमाद मिलो, फिर आपके एतमाद मिलो, ऐसे वर्कर को करना क्या है जिसको हर 10 दिन बाद एतमाद दिलाना पड़े। एतमाद के साथ चलो, इंशाल्लाह आपको जीने का मजा आएगा इंशाल्लाह। पर यालो मेरा जुमे के बाद बयान था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मस्जिद के इमाम को असम्बली में पहुंचाओ, ये जमीयत है, कोशिश करोगे या नहीं? बोलते नहीं करोगे, कोशिश करो। मस्जिद के इमाम को असम्बली पर पहुंचाओ, मस्जिद के इमाम सेनेटर बनाओ, मस्जिद का इमाम MP MNA बनाओ, इंशाल्लाह रुख बदल जाए। अल्लाह ने ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी रायवंड था तो मौलाना फजलुर्रहमान वहां पर गए, गए ना, इसका मतलब ये तबलीगी जमात को मानते हैं, मुखालिफ नहीं है। अब तबलीग वाले हमें मानते हैं कि नहीं, ये 19 को पता चलेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? उम्मत को जोड़ना है या तोड़ना है? तो मौलाना फजलुर्रहमान कहाँ गए? 19 को आपने कहा जाना है? जमीयत के पोलिंग पे ना लड़का ना, तो 29 है, 29 को मैंने आना लड़का ना, इंशाल्लाह मैं आऊंगा। हमें दावत है, हमने आना लड़का ना, तो मैं नहीं पता हमारा कितना ताल्लुक है जमीयत से। तुम तो देखते हो भाई इश्तहार पे नाम नहीं है और स्टेज पे ऐलान, जमीयत के ताल्लुक का मेरा नहीं हो रहा, तो ये क्या समझे भाई जमीयत का ताल्लुक है भी ये नहीं। ताल्लुक सारे बताने चाहिए ना कि फला फला बंदे का ताल्लुक है, तो गलत फहमियाँ तो हमारी दूर हो। मसलक का काम करना ये जमीयत का मिजाज है। मैं क्वेटा गया तो मैंने जमीयत का स्टे ही था, तो मैंने कहा जमीयत उलमा इस्लाम का रुकनियत फार्म मैंने पुर किया, जिसने पुर किया ना वो कल दोबारा जाके पढ़े, फिर उसको मैं समझ आऊंगा। जमीयत उलमा इस्लाम का रुकनियत फार्म जो पर्ची है ना रसीद बनी, उसको कल फिर पढ़ना, उस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिक्के हैं। आखिरी शिक ये है, फिरके बातला का दलायल के साथ रद्द करना, ये मैं करता हूँ। ये जमीयत का बॉर्डर है जहां पर मैं खड़ा हूं, तुम बाहर निकलो तो सही। नहीं समझ आई? दलायल से फिरके बातला का रद्द करना ये जमीयत का बॉर्डर है, उस पर मैं बैठा हूं, तो मैं जमीयत का हूं या नहीं? दलायल से अपनी बात कहना ये मौलाना फजलुर्रहमान साहब का मिजाज है, मुफ्ती महमूद का मिजाज है, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी का मिजाज है, शेखुल हिंद का मिजाज है, मौलाना मदनी का मिजाज है। दलील की ताकत से बात करना ये फिरका वलीयत नहीं है, ये हमारा मनसब है। मनसब मेरे पास मौलाना का बयान है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो मेरे पास बयान है वो तुम्हारे पास नहीं है। मौलाना फजलुर्रहमान साहब का इस साल अभी जो गुज़श्ता गुजरा है मारफ इस्लामी अपना मदरसा शरिया वहां जी खान का खत्म बुखारी का बयान सुने तो आप यूं समझेंगे मौलाना रियाज घुमन बोल गए। सुने फिर आपको पता चले ना, आप तो स्टेज पे चार सियासी बातें सुनते हैं, उसके अलावा कोई बात सुनते ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं जमीयत का मिजाज क्या है। मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह हम मुफ्ती महमूद की सियासत भी बयान करेंगे, मुफ्ती महमूद का अकीदा भी बयान करेंगे। एक बयान करना है या दोनों? दोनों। अब तुम चुप हो गए, अकीदा भी और सियासत भी, ये मुफ्ती महमूद है। हम अकीदा भी बयान करेंगे, उसकी सियासत भी बयान करेंगे, ये है जमीयत। अल्लाह हम सब हम में और बाकी जमहूरी जमातों में कुछ फर्क है, हमारी सिर्फ जमात सियासी नहीं है, हमारी इस्लामी भी है और सियासी भी है, नजरियात का भी तहफ़ करेंगे और इस्लाम में रहते हुए महफूज और सियासत का तहफ़ भी करेंगे। हम बताएंगे इस्लामी सियासत क्या होती है। इतनी बात समझ आ गई? चले अब मैं अपनी बात समझाता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था अजमत कुरान के उनवान पर मैं गुफ्तगू इस अंदाज में करूंगा कि जिस अंदाज में आपने पहले नहीं सुनी। उनवान क्या होगा? कुरान की अजमत ये है, कुरान वफा करता है, तवज्जो रखना, कुरान की अजमत ये है, कुरान वफा करता है, कुरान बेवफाई नहीं करता।
इसका उन्वान क्या है? जब कुरान पे एतराज आया तो दिफा देवबंद वालों ने किया है, और जब एतराज देवबंद वालों पर आया दिफा अल्लाह के कुरान ने किया है। कुरान वफा करता है, समझ आ गई? ये अजमत है ना, किसी आदमी की अजमत है कि भूले ना, तुम उसका साथ दो तुम्हारा साथ दो, ये अजमत होती है। ये कुरान की अजमत का एक पहलू ये है कि कुरान वफा करता है। जब एतराज कुरान पे है दिफा देवबंद वालों ने किया, और जब एतराज देवबंद वालों पर है दिफा अल्लाह के कुरान ने किया है। इस पर मैं दो एतराज कुरान पे उसका जवाब देवबंद से, दो एतराज देवबंद पे उसका दिफा कुरान से। मैं इतनी सी बात करूंगा थोड़े वक्त में, जरा तवज्जो से बात समझना। लेकिन एतराज समझाने से पहले आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, मसला जेहन में रख लें। हमारा मसला ये है कि जब आप बाजमात नमाज पढ़ें और इमाम के पीछे उसी नमाज में खड़े हों, इमाम कुरान पढ़ता है, मुक्तदी कुरान नहीं पढ़ता। नमाज जहरी हो तब भी नहीं पढ़ता, नमाज सिर्री हो तब भी नहीं पढ़ता। जहरी का माना इमाम कुरान ऊंची आवाज से पढ़े, सिर्री का माना इमाम कुरान आहिस्ता पढ़े। फजर मगरब इशा ये जहरी नमाज है, जोहर असर नमाज ये सिर्री नमाज है। नमाज जहरी हो या सिर्री, इमाम के पीछे मुख्तदी ने कुरान नहीं पढ़ना, ये हमारा नजरिया है। जब हमसे कोई पूछे दलील क्या है, हम अल्लाह का कुरान पेश करते हैं, वइजा कुरे अल कुरआनु फस्तमिउला वअनसितु लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुना करो और चुप रहा करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अजमा अन्नास वाला अन्नहा नज़लत फिस्सला, पूरी उम्मत का इजमा है। ये आयत नमाज के बारे में है कि जब इमाम कुरान पढ़े तो मुक्तदी न बोले, मुक्तदी सुने और खामोश रहे। इस पर हम कुरान पढ़ते हैं, कोई बंदा इस पर एतराज करेगा कि मौलाना साहब कुरान करीम तो कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो, जब इमाम कुरान ऊंची आवाज से पढ़े फजर मगरब इशा में ये आयत समझ आती है। लेकिन जब इमाम कुरान आहिस्ता पढ़े जोहर और असर की नमाज में, फिर आयत हमें समझ नहीं आती। क्यों? कुरान तब सुनेंगे जब इमाम ऊंची आवाज से पढ़ेगा। फजर मगरब इशा में तो बात समझ आ गई, इमाम कुरान पढ़े मुक्तदी सुने और चुप रहे। जोहर और असर में इमाम कुरान पढ़ता है, हम सुन ही नहीं सकते, तो फिर आयत पे अमल कैसे होगा कि सुनो और चुप रहो? तो फिर जोहर असर के लिए तुम दलील कौन सी पेश करोगे? चलो फजर मगरब इशा में इमाम के पीछे चुप रह जाएं, लेकिन जोहर असर में तो पढ़ सकते हैं क्योंकि आवाज सुनाई जो नहीं देती। इस एतराज का जवाब अलामा नसवी ने तफसीर मदारक में दिया है, पर मैं बात तवज्जो समझना, मैं उस जवाब को जरा समझाने लगा। जवाब इमाम नसवी का है, समझाता मैं अपनी जबान में हूँ। देखिए सुनना किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे सामने ये नौजवान बैठा है, मेरी इससे बात शुरू हो जाती है, मैं बात समझाना शुरू करता हूँ, ये आगे से बोलता है, मैं कहता हूँ मेरी बात तो सुनो, ये कहता है मैं सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप बोल रहे हैं मेरी बात तो सुनो, ये कहता है मैं सुन रहा हूँ। आप सारे के नहीं बेटा, आप खामोश हो गए तो सुनोगे, जो बोलता है वो सुनता नहीं है, सुनता वो है जो चुप हो जाए, उसे कहते हैं सुनने वाला। तो चुप होना ये सुनने के लिए जरूरी है, जो चुप न हो वो सुनने वाला होता ही नहीं है। इसलिए अलामा नसवी फरमाते हैं, जब जहरी नमाज फजर मगरब इशा की हो, अल्लाह ने फरमाया इस्तमिउला, कुरान को सुनो, तो सुनने का माना है कि चुप रहो। अब चुप रहो कहने की दोबारा जरूरत ही नहीं है, सुनो और चुप रहो, सुनो इसके अंदर चुप रहना आ गया। तो जब इस्तमिउला के अंदर अनसितु आ गया है, तो फिर दोबारा खुदा ने अनसितु क्यों फरमाया? और चुप रहो, इस्तमिउ सुनो, इसके अंदर चुप रहना आ गया, तो फिर मुस्तकिल क्यों फरमाया और चुप रहो? इसकी वजह यह है, अलामा नसवी फरमाते हैं नमाजें दो किस्म की है,
एक नमाज जारी फजर मगरब इशा की है। जब इमाम ऊंची आवाज से कुरान पढ़े मुक्तदी सुनता है। एक नमाज जोरो असर की है इमाम कुरान आहिस्ता पढ़ता है मुक्तदी नहीं सुन सकता। अल्लाह ने दोनों नमाजों का हुक्म दो किस्म की नमाजों का हुक्म एक आयत में यूं बताया इज़ा कुरिअल कुरआन जब कुरान पढ़ा जाए तुम्हें आवाज आती हो फस्तमिउला अब सुनो लेकिन जब कुरान पढ़ा जाए और तुम्हें आवाज न आती हो तुम सुन नहीं सकते वान से तो चुप अब भी रहो चुप अब भी रहो इस तमियो सुनो इसका ताल्लुक जहरी नमाज से है और चुप रहो इसका नमाज सीधी इसका ताल्लुक सीधी नमाज से है। सुन तो नहीं सकते लेकिन चुप तुमने अब भी रहना है। तो कुरान करीम ने दोनों नमाजों के बारे में मसला बता दिया कि जब इमाम के पीछे हो तवज्जो रखना तो तुमने किरात नहीं करनी खामोश रहना है और इमाम की बात को सुनना है। तुम्हारे ऊपर कोई बंदा एतराज करेगा एतराज क्या है कि हनफियों का मसलक और मजहब मसला ये है कि जब फजर की नमाज मस्जिद में खड़ी हो जमात हो रही हो कोई आदमी मस्जिद में जाए तो पहले सुन्नतें पढ़े अगर उसको अंदाजा हो मैं सुन्नत पढ़ के तशहुद में शामिल हो सकता हूँ इमाम के साथ सुन्नतें पढ़े और फिर नमाज के अंदर शामिल हो जाए। अगर ये खदशा हो मैंने सुन्नतें पढ़ी जमात चली जाएगी तशहुद में भी शरीक नहीं होगा तो फिर सुन्नतें छोड़ दे और सूरज निकलने के बाद पढ़े। अब आपके जेहन में सवाल नहीं आएगा तो कल को लोग सवाल करेंगे कि जब इमाम कुरान पढ़े तो सुनना जरूरी है तो जब इमाम मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहा था तुमने सुन्नतें शुरू कर दी तो तुमने इमाम का कुरान तो नहीं सुना अब तो तुम कुरान पढ़ रहे हो तो जब कुरान कहते हैं पढ़ा जाए तो सुनो तो फिर फजर की सुन्नतें न पढ़ो ना फिर सुनो नमाज में शामिल हो जाए। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ वो क्या ये भी मदारिक ने जवाब अलामा नसवी ने दिया है इस आयत का ताल्लुक उस नमाज से है कि जो इमाम और मुख्तदी की एक हो अगर मुख्तदी की नमाज अलग हो इमाम की नमाज अलग हो दूसरे आदमी की नमाज अलग है और ये नमाज अलग है अब हुक्म नहीं है। आप फजर में ये हैं इमाम फर्ज पढ़ा रहा है और ये सुन्नतें पढ़ रहा है इमाम की नमाज अलग है इसकी नमाज अलग है अब हुक्म नहीं है। हुक्म तब होगा कि मुख्तदी इमाम के पीछे उसी नमाज में शरीक हो अगर इमाम अलग पढ़ा रहा हो ये अलग नमाज पढ़ रहा हो अब हुक्म इसको शामिल ही नहीं है। जब हुक्म ही नहीं है अमल करे क्यों वो फिर सवाल करेगा चलो हम बताते हैं कि तुम इमाम के पीछे हो इमाम कुरान पढ़ता है हनफी फिर भी नहीं सुनता हमने कहा कौन सी नमाज वो कहते हैं हर नमाज में सिर्री हो तब जहरी हो तब वितर हो तब तरावी हो तब वितर रमजान के जिसमें जमात कराते हैं हमने कहा कैसे उसने कहा जब इमाम अत्ताहियात बैठे कादा में बैठे तशहुद में बैठे इमाम पहले अत्ताहियातुलिल्लाहि अत्ताहियात पढ़ता है फिर इमाम दुरूद पढ़ता है फिर इमाम दुआ मांगता है रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती तो आप पीछे दुआ कौन सी पढ़ते हैं रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती तो ये तो कुरान है कुरान करीम में है इमाम भी कुरान पढ़ रहा है तुम भी कुरान पढ़ रहे हो तो तुम तो कहते हो जब इमाम कुरान पढ़े तो चुप रहो अब इमाम पढ़ते हैं अब चुप क्यों नहीं रहते अब इमाम के पीछे कुरान क्यों पढ़ते हो जवाब अच्छी तरह समझना मैं आपसे कहता हूं इन्ना फिरआउना इन्ना फिरआउना ये कुरान में है फिरआउना पांच हर्फ है फा रा आइन वाव और नून फिरआउना जब आप कुरान पढ़ेंगे और कुरान में पढ़ेंगे फिरआउना कितनी नेकियां मिलेंगी 50 एक हरफ पे 10 नेकियां तो लफ्ज़े फिरौन जब कुरान समझ के पढ़ा तो कितनी नेकियां मिलेगी 50। अच्छा अगर कोई आदमी जनाबत की हालत में हो जिस्म नापाक हो तो फिर कह सकता है फिरौन ना कह सकते है क्यों अब कुरान बन गया ना लेकिन अगर इसी फिरौन के लफ्ज को पढ़े लेकिन कुरान समझ के नहीं पढ़े वैसे ही पढ़े फिरौन तो फिर 50 नेकियां मिलेंगी फिर हालत जनाबत में कह सकता है कह सकता है। मालूम हुआ एक ही लफ्ज कुरान समझ के पढ़े हुक्म और है कुरान समझ के न पढ़े हुक्म और है। नमाज में कुरान तब पढ़ते हैं जब कयाम हो नमाज में कुरान रुकू में नहीं पढ़ते कुरान सजदे में नहीं पढ़ते
कुरान जलसे में नहीं पढ़ते, कुरान तशहुद में नहीं पढ़ते, कुरान हालत क़याम में पढ़ते हैं। फिर सवाल ये है कि ये जो तशहुद में कहते हैं रब जालनी, ये कुरान नहीं पढ़ रहा, कुरान वाली दुआ पढ़ रहा है। कुरान को कुरान समझ के पढ़ना ये और है, और वही दुआ पढ़ना जो कुरान में है, लेकिन कुरान समझ के नहीं दुआ समझ के फिर हुक्म और है। अब इमाम ने भी रब्बे जालनी पढ़ा है, लेकिन कुरान समझ के नहीं दुआ समझ के, मुक्तदी ने रब्बे जालनी पढ़ा है लेकिन कुरान समझ के नहीं दुआ समझ के। दलील ये है कि कुरान तशहुद में नहीं, कुरान हालत क़याम में पढ़ा जाता। इस पे इतराज की कौन सी बात है? अगर ये उसूल समझ आ गया, मैं बतौर खास उलमा से कहता हूँ, आप शायद न समझ आए, बतौर खास उलमा से जनाजे में सूरतुल फातिहा पढ़ने का मसला हल हो गया। जनाजे में सूरतुल फातिहा पढ़ने का, जनाजे में आपने पहले क्या पढ़ना है? सना, फिर क्या पढ़ना है? दुरूशी, फिर क्या पढ़ना है? दुआ। तवज्जो रखना, क्या पढ़ना है? कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, नहीं आती। फिर क्या पढ़े? देखें, याद रखना, दुआ तो पढ़ ली है ना, कौन सी? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। अगर नहीं आती तो फिर कोई और दुआ पढ़ ले, कोई और दुआ पढ़ ले। अब ये जो बाज रिवायात में ना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, बाज रिवायात में जैसे बुखारी में कि जी फातिहा पढ़ी, तो लोग कहते हो फलां ने तो पढ़ी थी। ये गैर मुकल्लद मुझे कहने लगा जनाजे में फातिहा पढ़ना सुन्नत है। हमने कहा हदीस पढ़ दो। कहा ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पढ़ी। मैंने कहा सहाबी तुम्हारे यहाँ हुज्जत ही नहीं है, सुन्नत किसे कहते हैं कि जो नबी ने पढ़ी या सहाबी ने? कहा जी नबी ने। तो मैंने कहा बताओ कभी नबी पाक ने पढ़ी हो? जब कभी नहीं पढ़ी तो सुन्नत कैसे? और जी सहाबी ने तो पढ़ी है। मैंने कहा पहले ये बात तय करो कि सुन्नत है या नहीं, पहले ये तय करो। सुन्नत है तो पैगंबर से साबित करो। काजी साहबी, मैंने कहा हम तो मानते हैं, तुम तो साहबा को हुज्जत नहीं मानते, मसला तुम्हारा है, तुमने कैसे साहबी को पेश कर दिया? और ये पढ़ी तो है ना। मैंने कहा क्यों पढ़ी है? आइए मसला आप समझ लो। एक होता है कुरान को कुरान समझ के पढ़ना, एक है कुरान को दुआ समझ के पढ़ना। कुरान को कुरान समझ के पढ़ेंगे तो फिर जनाजा में जायज ही नहीं है, और दुआ समझ के पढ़े, और दुआएं भी हैं, एक ये भी दुआ पढ़ ली, अब मसला बदल जाएगा। लेकिन उसमें भी जहर नहीं है, उसमें भी सिर है, ऊंची आवाज से नहीं है, उसमें भी दुआ आहिस्ता है। ये ऊंची आवाज से पढ़ता है ये बताने के लिए कि हम कौन हैं, ये बताने के लिए कि नहीं कि सुन्नत है। दो लफ्ज़ तुम नहीं समझे, ये नहीं कि सुन्नत है, ये बताने के लिए हम कौन है। बाज लोगो होते हैं, लोगो समझते, लोगो जैसे हर इदारे ने अपना खास एक मोनो बनाया होता है, लोगो होते हैं। ये लोगो है, जनाजा पढ़ो तो खप डालो, बाजार में उतर नंगे सर फिरो, आओ तो फिर सलवार ऐसी पहने। लोगो है सुन्नत, अगर के दो हाथ से मुसाफ है, लेकिन इसलिए एक हाथ से करना, इसलिए नहीं कि सुन्नत है, इसलिए कि पता चले कौन है। ये इसका शराफती गार्ड है, ये इनका शराफती गार्ड है, सुन्नत का मसला नहीं है। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब इमाम कुरान पढ़े तो मुख्तदी इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ता। इमाम आजम अबू हनीफा नबरल्ला मरकदहू के बारे में एक वाकया है तारीख में। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास चंद लड़के आए। आप कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, फरमाया मैं कहता हूँ नहीं पढ़नी चाहिए। उनने कहा जी इस पे दलील, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। इमाम साहब फरमान लेंगे मुझे कोई एतराज नहीं है, मुनाजरा कर लेते हैं, लेकिन तुम जो छह सात लड़के इकट्ठे होकर आए हो, तुम में से हर बंदा मुनाजरा करेगा या कोई एक करेगा? काजी एक करेगा। उन्हें फरमाया अगर ये जीत गया तो? काजी हम जीत गए। कहा अगर ये हार गया तो? काजी हम हार गए। इमाम साहब फरमाया फिर मैं जीत गया तुम हार गए। तो उन्होंने कहा अभी तो मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, आप जीत कैसे गए? फरमाया मुनाजरा खत्म भी हो गया, तुम क्या तो शुरू भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कैसे? इमाम साहब फरमाया जो बात मैं कहता हूँ वो तुमने बात वैसे ही मान ली है, अब तुमसे मुनाजरा क्या करना है? तुम खुद कहते हो ये हमारी तरफ से है, ये जीत गया तो हम जीत गए। दलील एक दे रहे, सारे तो नहीं दे रहे ना, ये एक की दलील सबकी तरफ से है। मैं भी कहता हूँ इमाम की फातिहा सबकी तरफ से, जो बात मैं कहता हूँ तुमने वैसे ही मान ली है। फर्क ये था मैं नमाज के अंदर मान रहा था, तुमने नमाज के बाहर मान ली है। तवज्जो रखना, ये मैं तमहीद बांध रहा हूँ, सवाल थोड़ी देर बाद हम छेड़ेंगे। इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते, इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ते। हमने दलील पेश की है
لَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو, توجہ رکھنا. جب ہم نے دلیل پیش کی ہے, اب ہمارا مد مقابل آ گیا. جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اس نے کہا, جی مولانا صاحب یہ آیت آپ کی دلیل نہیں ہے, یہ آیت تو میری دلیل ہے. ہم نے کہا تمہاری دلیل کیسے ہے؟ اس نے کہا دو چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک ام القرآن ہے, ایک قرآن ہے اور ایک ام القرآن ہے. جب امام ام القرآن پڑھتا ہے یعنی فاتحہ, ہم بھی پڑھتے ہیں پیچھے ام القرآن فاتحہ. جب امام قرآن پڑھتا ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک, تو پھر ہم بھی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے. امام قرآن پڑھے ہم چپ ہو جاتے ہیں, امام ام القرآن پڑھے تو ہم پڑھتے ہیں. ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو, اور تم بھی کہتے ہو امام قرآن پڑھے تو سنا کرو. بھئی ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے, ہم تو ام القرآن فاتحہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. اس نے کہا جی ہاں فاتحہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ ام القرآن ہے. اعتراض سمجھ آ گیا, یہ قرآن نہیں ہے, یہ ام القرآن ہے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا ذہن کیا ہے, آدم علیہ السلام انسان ہے یا ابوال انسان ہے؟ اس نے کہا جی انسان ہوں گے تبھی ابوال انسان بنیں گے. میں نے کہا اماں حوا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, یہ انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ کہتے انسان ہوں گی تبھی تو ام الانسان بنے گی. میں نے کہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, حضور بشر ہیں یا سید البشر ہیں؟ کہتے جی بشر ہوں گے تبھی تو سید البشر بنے گے. میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا, حضرت آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے, اما حوا پہلے انسان ہے پھر ام الانسان ہے, اللہ کے نبی پہلے بشر ہیں پھر سید البشر ہیں, تو فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے. فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے. میں نے کہا ہماری دلیل صرف عقلی نہیں ہے, میں اب نقل قرآن پڑھنے لگا. تم جو کہتے ہو کہ فاتحہ ام القرآن ہے, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب بھی فرمایا, ام القرآن بھی فرمایا. میں نے کہا میں کہتا ہوں پہلے قرآن ہے پھر ام الکتاب ہے, ام القرآن بعد میں ہے. کیوں؟ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. میں آپ سے نہیں, میں ان سے کہتا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے, پہلے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن. میں نے کہا بعد میں کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث. میں نے کہا قرآن کا نمبر پہلے ہے, حدیث کا نمبر بعد میں ہے؟ کہتے جی ہاں قرآن کا نمبر پہلے ہے, حدیث کا بعد میں ہے. میں نے کہا پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, یہ میں نے پیغمبر تجھے بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں دی ہیں. اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا القرآن العظیم, وہ قرآن عظیم ہے. تو اللہ کے قرآن نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے, میرے نبی کے فرمان نے فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے, تو پہلے قرآن ہے پھر بعد میں نبی کا فرمان ہے. قرآن فاتحہ کو قرآن کہتا ہے, نبی کا فرمان ام القرآن کہتا ہے, تو پھر مان لے کہ فاتحہ پہلے قرآن ہے اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے, اور بعد میں ام القرآن ہے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے. قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں. تو فاتحہ پہلے کیا ہے بولو, پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن بنے گا تبھی تو ام القرآن بنے گا. اچھا دوسری بات, قرآن کریم نے صرف قرآن نہیں کہا بلکہ القرآن العظیم کہا ہے. یہ مستقل میرا ایک بیان ہے, مستقل میں اشارہ کر دیتا ہوں, کبھی آپ کا ذوق ہوا تو کر لیں گے, اشارہ سمجھ لیں. قرآن کہا یا قرآن عظیم کہا؟ عظیم بھی کہا. قرآن کریم میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اسماعیل کے بدلے میں دمبا دیا, اسے ذبحٍ کہا کہ ذبحٍ عظیمٍ کہا؟ عظیمٍ کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جن زلیخا نے دیکھا فریفتہ ہو گئی, پھر زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا, زلیخا نے دسترخوان بچھایا, حضرت یوسف کو باہر بلایا, تو جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے کہا تھا اِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, کہا ملک نہیں کریم کہا.
तो मलक उनको करीम उन क्यों कहा, ज़िबिन को अजीम इन क्यों कहा, अजरुन को गैर ममनून इन क्यों कहा, कुरान को अजीम क्यों कहा। यह मुतकल्लिक बहस है, अल्लाह सिर्फ के साथ क्यों लाते हैं। मैं सिर्फ फातिहा पे बात करने लगा, बलकद आतेना का सब मिनल मसानी बल कुरान अजीमा, अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं फरमाया बल्कि कुरान अजीम फरमाया है। ये बात समझना, आइंदा आने वाले सवाल का जवाब बनेगा। एक है कुरान, एक है कुरान अजीम। कुरान अजीम क्यों फरमाया, पूरे कुरान में अल्लाह ने 6 मजामीन बयान फरमाए हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 कयामत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6 न मानने वाले। पूरा कुरान इन 6 मजामीन के खिलाफ घूमता है, इनके गिर्द घूमता है। पूरा कुरान इन 6 मजामीन के गिर्द घूमता है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 कयामत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6 न मानने वाले। और ये 6 मजामीन अल्लाह ने फातिहा में खुलासा के तौर पे बयान कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम में तौहीद बयान की है, मालिक यौमिद्दीन में कयामत बयान की है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अहकाम बयान किए हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम में रिसालत और मानने वालों का जिक्र है, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन में न मानने वालों का जिक्र है। तो पूरे कुरान का खुलासा चूंकि फातिहा में था, इसलिए सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि कुरान अजीम है। इसकी अजमत ये है, अल्फाज थोड़े हैं और 113 सूरतों को समो खुदा ने एक सूरत में दिया है। मैंने कहा पहले कुरान है और फिर उम्मुल कुरान है। उसका दूसरा सवाल आ गया, मौलाना साहब हमारे हक में आयत है इज़ा कुरे अल कुरान, क्यों ये फातिहा कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं उम्मुल कुरान है। दलील मैं नहीं देता, तवज्जो उसकी दलील समझना। कहते जी फातिहा, मैं आप पर सवाल करता हूँ, खुद नहीं आपसे पूछता हूँ ताकि आपको सवाल समझ आए। मुझे बताओ कुरान करीम के पारे कितने हैं, बोलते जाओ कितने पारे हैं। 30। पहला पारा शुरू कहाँ से है, अलिफ लाम मीम। दूसरा सयकूलो, आखिरी अम्मा यतसाअलून। पारे कितने, पहला पारा अलिफ लाम मीम से, दूसरा आखिरी। तो सूरतुल फातिहा किधर गई, सवाल समझो उसका। ये वो शुबहात है जो वो फैलाते हैं और जिससे हमारे बच्चे फिसल जाते हैं, हमसे पूछते नहीं है स्लिप हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं वापस आओ, कहते हैं मुनाजरा कर लो। मैंने कहा जब उधर गए थे मुनाजरा कराया था, जब उधर गए तो मुनाजरा कराया, उधर फिसल गए वापस आओ मुनाजरा कर लो। मैंने कहा भी मुनाजरा तू करना, उसका मुनाजरा करा के मुकल्लद और मुशरिक ना बन, तू खुद मुनाजरा कर ताकि पता चले तू कितना बड़ा तुझे दिए। हम इमाम की तकलीद करें तो शिरक है, और तू गली मोहल्ले के पकौड़े बेचने वाले की तकलीद करे तो तू मोमिन है। अजीब बात है, सवाल समझो। क्या जी फातिहा कुरान नहीं है, एतराज। कुरान के पारे कितने, 30। पहला पारा शुरू अलिफ लाम मीम से, दूसरा सयकूलो से, तीसरा तिलकर रसूल से, चौथा लम तनालो से, पांचवा अल मुहसनातु चलते जाए, आखिरी पारा अम्मा यतसाअलून से। कारी किसी पारे के अंदर सूरत फातिहा नहीं है। तुम कहते हो कुरान 30 पारों का है, कुछ ही पारे के अंदर फातिहा है ही नहीं, तो फिर मान लो फातिहा कुरान नहीं है। मैंने कहा मुझे बताओ, जवाब समझना। मैंने कहा मुझे बताओ कुरान की सूरतें कितनी हैं। काजी 114। मैंने कहा पहली सूरत कौन सी है, काजी सूरतुल फातिहा। मैंने कहा जब कुरान ही नहीं है तो सूरतुल फातिहा कुरान की सूरत कैसे, कुरान की सूरतें कितनी, 114 पहली सूरत फातिहा। तो जब ये कुरान ही नहीं तो कुरान की सूरत कैसे। जुमाना साहब जो मैंने इतराज किया उसका जवाब, मैंने कहा जो मैंने इतराज किया उसका जवाब, तेरे एतराज का जवाब चाहिए तो हमारे एतराज का जवाब भी तो चाहिए ना। कुछ थोड़ा सा इनको उलझन में डाला करो, उलझन में। आप हमेशा दलीलें तलाश करते हो, कुछ इनके ऊपर भी कर्ज फेंको ताकि इनको भी समझ आए। कहते हैं मैंने कहा दो जवाब चुप। मैंने कहा मेरे पास तेरे एतराज का जवाब है, तेरे पास मेरे एतराज का जवाब नहीं है। तेरे एतराज का जवाब मैं दे चुका हूं अगर आपके जहन में हो। जब आप नमाज पढ़े पहली रकात में पहले पढ़ेंगे सूरतुल, फिर उसके बाद कोई सूरत बकरा, पहली रकात दूसरी में सूरतुल फातिहा, फिर
कोई सूरत, मसलन सूरह आले इमरान, फिर पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा, फिर कोई सूरत मसलन निसा। अब तरतीब क्या है, अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि नमाज में बंदा चूंकि मुझसे बात करता है तो मेरा कलाम मुझे सुनाए, बंदा नमाज में मुझसे बात करता है तो मेरा कलाम मुझे सुनाए। कितना सुनाए, सारा सुना दो, अल्लाह सारा तुम सुना नहीं सकते, तवज्जो रखना, तो फिर फातिहा सुना दो। ये पूरे कुरान का खुलासा है, ये पूरे कुरान का। फजर की रकतें कितनी, जोहर की फर्ज कितने हैं, तवज्जो रखना जरा। पहली रकत में फातिहा भी और सूरत भी, दूसरी में फातिहा भी और सूरत भी, तीसरी में सूरत नहीं है, चौथी में सूरत नहीं है। क्यों? हर रकात में अल्लाह फातिहा सुनता है, बाकी सूरत किसी में पढ़ लो किसी में ना पढ़ो, किसी रकात में है किसी में नहीं है। ये हर रकत में फातिहा क्यों है? पर मैं मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे, इसलिए मैं कहता हूं मुझे मेरा कुरान सुनाओ। अल्लाह सारा सुनाए, पर मैं सारा सुनाओ, सारा तो नहीं सुना सकते, थोड़ा वक्त है, हम कैसे पढ़े, पर मैं खुलासा सुना दो, हम इसको पूरा कुरान समझते हैं, ये खुलासा है। अब बात समझना, मैं कहने लगा हूं कि सूरतुल बकरा का ताल्लुक 2.5 बारों से, आले इमरान का ताल्लुक 2 बारों से, बाकी सूरतों का ताल्लुक किसी एक पारे से है, लेकिन सूरतुल फातिहा का ताल्लुक किसी एक पारे से नहीं है, इसका ताल्लुक 113 सूरतों से है। इसलिए अल्लाह ने तरतीब ये लगाई है, कुरान करीम सिर्फ 30 पारों का नाम नहीं है, कुरान करीम सूरतुल फातिहा और 30 पारों का नाम है। सवाल ये है, सूरतुल फातिहा को ये 30 पारों से बाहर क्यों रखा है, जब है कुरान का हिस्सा? मैं कहता हूँ उसकी वजह ये है कि एक होता है दर्स, एक होता है दर्स का खुलासा, एक होता है लेक्चर, एक लेक्चर का खुलासा। प्रोफेसर या प्रोफेसर या कोई मुदर्रिस अपनी दर्सगाह में कामयाब लेक्चरार और मुदर्रिस वो है, 1 घंटे का लेक्चर भी दे और आखिर में 1 मिनट का खुलासा भी बयान करे। मेरे अल्लाह ने तर्ज इख्तियार किया है कुरान करीम में, पहले 1 सूरतुल फातिहा में कुरान का खुलासा बयान कर दिया है, फिर 113 सूरतों में उसको तफसील से बयान कर दिया है, क्योंकि हर रकत में सूरतुल फातिहा ने आना था और बाकी सूरतों में से किसी एक ने आना था, तो तर्ज ये रखा है कि फातिहा पहले रख दी है फिर बाद में 113 रख दी है, तो ये फातिहा कुरान से खारिज नहीं है, अलिफ लाम मीम से कुरान है। और फातिहा उम्मुल कुरान क्या माना, जो पूरा बयान अल्लाह ने 113 सूरतों में किया है, इसका खुलासा शुरू में सूरतुल फातिहा में रख दिया है, तो जिस तरह 1 घंटे का बयान बयान होता है, उसके बाद 1 मिनट का खुलासा ये भी बयान होता है, बिल्कुल इसी तरह 113 सूरतों की तफसील ये भी कुरान है और 1 सूरत फातिहा का खुलासा ये भी कुरान है। 1 मिनट का खुलासा बयान से निकल जाता है, बताओ। अब देखो आप थकना शुरू हो गया ना, नहीं क्या होता, बंदा थकता है, झूठ बोलने की जरूरत है, काम हर जिद पे तुम खड़े, थक जाता है बंदा। टाइम क्या हुआ, 11:30, आदमी पूरा दिन जागे 10:30, पूरा दिन जागे तो फिर आखिर में 10 बजे तक जागे, थक जाता है, इसमें हर्ज की बात तो कोई नहीं। मेरे मुझे एहसास है कि आप थकते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आदमी थक जाता है, इसलिए मैं अक्सर जलसे वालों से कहता हूँ फिर कभी मुझे बुलाओ ना तो मंगल के बाद जलसा शुरू कराओ, इशा थोड़ा सा मौखर करो, मैं कभी आपके सकरण में आऊं और मगरब के बाद भी आऊं, इशा थोड़ी सी मौखर हो तो साल में 1 मरतबा आप 1.5-2 घंटे की दुकान बंद कर सकते हो, बोलो 1.5-2 घंटे की साल में 1 मरतबा आप इसका एहतमाम कर लो, मुझे भी सुकून होगा, तुम्हें भी सुकून होगा। जागते जागते बयान सुनो, क्योंकि हमारा बयान दलायल वाला है, ये दिमाग मांगता है, जागना मांगता है, फिर समझ आता है, बगैर ना समझ नहीं आता। चले, मैं आपकी थकावट का मुझे अच्छी तरह एहसास है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मैं 1 घंटा बयान करता हूं, आखिर में 1 मिनट का खुलासा बयान करता हूं। कोई बंदा आपसे पूछे कि मौलाना गुमर साहब ने कितना बयान किया, आप क्या कहोगे, 1 घंटा की, यही कहेंगे ना, या ये कहोगे नहीं 1 घंटा बयान किया 1 मिनट खुलासा, भी ये कहोगे 1 घंटा बयान किया। तो जिस तरह 1 घंटे का बयान भी बयान है और 1 मिनट का खुलासा भी बयान है, 113 सूरते तफसीर ये भी कुरान है और फातिहा इनका खुलासा ये भी कुरान है।
हमने तो जवाब दे दिया भाई, अब तुम जवाब दो। कुरान की सूरत 114 है, अगर फातिहा कुरान नहीं तो कुरान की सूरत कैसे है? हमारा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, मुझे कई साल गुजर गए ये कर्ज फेंके, अभी तक जवाब नहीं आ रहा। और जो तुमने कर्ज दिया हमने नकद चुका दिया। तो कुरान करीम पर एतराज क्या था? एतराज आ गया जेन में, इज़ा कुरिअ अल-कुरआनु फस्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए। उसका एतराज ये था कि फातिहा कुरान नहीं है, देवबंद वालों ने बताया कि फातिहा कुरान है। दूसरा एतराज सूरतुल फातिहा, एक शख्स कहता है कि फातिहा कुरान नहीं है, दलील सुनना। और ये मैं हकायक बता रहा हूं, फर्जी एतराज नहीं है। बाद में कहते हैं जी फातिहा ये कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं। हमने पूछा दलील क्या है, उन्होंने कहा जी दलील ये है, तवज्जो रखना, दलील ये है कि सूरतुल फातिहा में है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इय्याका नाबुदु का माना ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन और ए अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। एक बंदा इतराज करता है कि ये इय्याका नाबुदु अल्लाह का कलाम नहीं है, इय्याका नस्ताईन अल्लाह का कलाम नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? उसने कहा इय्याका नाबुदु ये अल्लाह का कलाम है। हमने कहा जी हाँ, इय्याका नस्ताईन अल्लाह का कलाम है। हमने कहा जी हाँ। उसने कहा अच्छा ये बताओ इय्याका नाबुदु ये झूठ है अलयाज़ु बिल्ला या सच है? आप बताओ, ऊंची बात से बोलो, सच है? अल्लाह किसी की इबादत करता है तो सच कैसे है? सच तो तब हो ना जब अल्लाह किसी की इबादत करे और फिर अल्लाह फरमाए इय्याका नाबुदु, तब सच होगा ना। अल्लाह किसी से मदद मांगते हैं? नहीं। बोलो ऊंची बात से बोलो ना। तो जब मदद मांगते नहीं तो फिर क्यों कहते हैं इय्याका नस्ताईन? भाई सच तो तब होगा जब अल्लाह किसी को सजदा फरमाए अलयाज़ बिल्ला और फिर इय्याका नाबुदु फरमाए। अल्लाह किसी से मदद मांगे फिर फरमाए इय्याका नस्ताईन तो सच कैसे है? अगर आप सच कहें तो फिर एतराज है। अगर आप कहते हैं सच नहीं झूठ है अलयाज़ बिल्ला, तो अल्लाह का कलाम तो झूठा हो ही नहीं सकता। अब आप क्या कहेंगे, सच कहें या गलत कहें? ये कितना अहम मसला है। इस पर मुझे एक वाक्य याद आया, इमाम आज़म अबू हनीफा, ये थके हुए नहीं है इनको कुछ ना हो, मैंने कहा ना थक गया। आप कहते हैं नहीं, ये एक एक को थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि थक रहे हैं कि नहीं थक रहे। मैं ये बार बार एहसास क्यों दिलाता हूं कि मेरा बयान जल्दी कराया करो, मेरा बयान जल्दी कराओ, बयान सुनना मुश्किल हो जाता है। नारा मैंने नहीं मरवाना, दलील पे दलील चलानी है और थोड़े वक्त में हमने लंबा सफर तय करना होता है, उसके लिए जरूरी है कि नारे ना हो ताकि थोड़े वक्त में बात ज्यादा करें। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को शाह वक्त ने कहा कि आप चीफ जस्टिस बनो, तवज्जो रखना। फरमाया मैं नहीं बनता। क्या जी क्यों नहीं बनते? फरमाया मुझसे दलील से बात करो, दलील से बात करो। कहा जी दलील क्या है? इमाम हनीफा फरमाने लगे मैं चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं हूं। बादशाह ने कहा आप हैं? तो इमाम से फरमाया मैं कह तो नहीं हूं। तो कहता है ये जो मैं कह रहा हूं मैं चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं हूं, ये मेरा जुमला ठीक है या गलत? अगर ये मेरा जुमला ठीक है, मैं अहल नहीं हूं ना, अहल को तो जस्टिस नहीं बना सकते, चीफ जस्टिस कैसे बनाऊंगा? और अगर ये जुमला ठीक है, अगर ये जुमला ठीक है चीफ जस्टिस नहीं बना सकते, अगर ये मेरा जुमला गलत है तो मैं झूठ बोलता हूं, तो झूठे बंदे को चीफ जस्टिस कैसे बनाओगे? इसका कोई जवाब नहीं था, कोड़े मारे, जेल में डाला, जहर दिया, शहीद कर दिया, लेकिन दलील का जवाब नहीं दे सके। ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताकत दलील के बादशाह थे। इमाम आजम हनीफा, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, सवाल समझना। इय्याका नाबुदु व इय्याका, अल्लाह फरमाते हैं इय्याका नाबुदु हम तुझ ही की इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। अगर ये बात ठीक है तो अल्लाह कैसे, वो तो इबादत नहीं करते माबूद है। अगर आप कहते हैं गलत है तो गलत बात अल्लाह का कलाम कैसे? जवाब समझना। देवबंद वालों ने जवाब दिया है, एक बच्चा स्कूल में जाता है, हेडमास्टर उस बच्चे को बात सिखाता है कि बेटा जब मुझसे छुट्टी लेनी पड़े पाबंदी से पढ़ना, नागे न करना, कभी जरूरत पड़ जाए तो छुट्टी ले लेना और छुट्टी ये लेना, मुझे दरखास्त लिखना बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, गुजारिश है कि बंदा के चचा की शादी है,
तीन यौम की रुख्सत अनायत फरमाए। फिदवी याल आरिज अब्दुल रहमान, मैंने कहा ये दरख्वास्त किसने लिखी है? कहते जी हेड मास्टर ने। मैंने कहा क्यों झूठ बोलता है? वो कहता है बखिदमत जनाब हेड मास्टर, अगर हेड मास्टर की दरखास्त है तो बखिदमत जनाब हेड मास्टर किसे कहता है? हेड मास्टर का नाम अब्दुलरहमान है। कहा जी नहीं, उसका नाम तो गुलाम रसूल है। तो मैंने कहा अब्दुलरहमान कैसे बन गया? हेड मास्टर के चचे की शादी है। कहा जी नहीं, वो तो खुद 50 साल का है। तो मैंने कहा फिर ये दरखास्त किसकी तरफ से है? कहा जी हेड मास्टर की तरफ से। मैंने कहा हो नहीं सकती, ना उसके चचा की शादी है, ना वो छुट्टी ले रहा है, ना उसका नाम अब्दुलरहमान है। अब उलझन में पड़ गया। मैंने कहा बेटा बात समझो, मसला ये है, ये दरखास्त हेड मास्टर ने लिखी है, लेकिन एतराज तब होता जब ये दरखास्त हेड मास्टर अपने लिए लिखता, उसने अपने लिए नहीं लिखी। दरखास्त लिखी हेड मास्टर ने है, मगर प्राइमरी के बच्चे के लिए है। जब तुम छुट्टी लेना चाहो तो यू लिखना, इया का ना बदो अल्लाह का कलाम है। एतराज तब होता जब ये अल्लाह का कलाम अल्लाह के लिए होता, ये अल्लाह का कलाम अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के बंदे के लिए है। अल्लाह फरमाता है जब मुझे सजदा करो इया का ना बदो कहना, मुझसे मदद मांगो इया का नस्ताइन कहना। ये अल्लाह का कलाम अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह का कलाम अल्लाह के बंदे के लिए है। जब एतराज कुरान पर है तो दिफा देवबंद वाले करते हैं, अब दूसरा पलटा, और जब एतराज देवबंद वालों पर हो फिर दिफा अल्लाह का कुरान करता है। इस पर भी दो एतराज, उधर भी दो, इधर भी दो। मेरे पास तो दो नहीं है बिहम्दिल्ला, हमारे पास तो पूरा जखीरा है। हम कल हम से वन नाश तक चलेंगे, एतराज जवाब, एतराज जवाब, एतराज जवाब। आपको महसूस होगा कि आपका वकील कितना कमजोर है, कितना तगड़ा है, आपको अंदाजा होगा। और फिर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, ये तो मफसल या मुंशी शेरगुल बताएंगे। सस्ता कितना है, और आप यकीन फरमाए मैं झूठ नहीं बोलता। हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद यहाँ मौजूद है, हमारे जिम्मेदार हैं, मेरे सिंध के मसूल हैं, शरीफ हैं। मैंने इनको कह रखा है पूरे सिंध में कोई वक्त मांगे मैं न दूं तो वक्त नहीं है, ये अलग बात है। कोई बंदा मुझे सिंध में ये शिकायत न करे कि मौलाना साहब की तारीफ इस वजह से नहीं मिलती कि पैसे ज्यादा मांगते हैं, ये शिकायत मुझे न मिले। बस किराया दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, थोड़ा दे तो ठीक, ज्यादा दे तो ठीक, पैसे की बुनियाद पे ना तारीख देनी है ना पैसे की बुनियाद पे तारीख काटनी है। बस बस सिर्फ बयान करो, सिर्फ बयान करो। अल्लाह करीम है, अल्लाह के खजाने बड़े वसी हैं, वो कुत्ते और खंजीर को देता है, हमें अल्लाह छोड़ देगा? कैसी बात कर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह महरूम करे। अल्लाह देता भी और खूब देता। चले मैं बात समझा रहा था, जब एतराज कुरान पर हो तो दिफा देवबंद वाले, और जब एतराज देवबंद वालों पर हो दिफा अल्लाह का कुरान करता है। मेरा हरिपुर में जलसा था, बयान के बाद तीन नौजवान आए, अपने हाथ में दो तीन किताबें पकड़ी हैं, उनमें इस किताब का नाम अरवाह सलासा है। मुझे कहने लगा जी किताब हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की है। मैंने कहा जी हाँ, इसमें इबारत जिस पर हमें इतराज है। मैंने कहा हम दिफा के लिए तैयार बैठे, हकीम उल उम्मत थानवी हमारे सर का ताज है, एतराज आपके जिम्मे, जवाब हमारे जिम्मे। क्या जी, हकीम उल उम्मत थानवी ने वाक्य नकल किया है कि हजरत शाह मुहद्दिस इसहाक मुहद्दिस देहलवी नबरल्ला मरकदहु दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठ के जिक्र करते रहे, और जब बाहर निकले तो उनके जिक्र की वजह से इतना जिक्र किया इस हद तक पहुंचे, बाहर निकले एक कुत्ते पे निगाह पड़ी, वो कुत्ता कामिल हो गया, अगले कुत्तों के साथ मिला तो कुत्ते मुराकबे में चले गए। ओ जी कामिल इंसान होता है, कभी जानवर भी कामिल हो सकता है, देखो कुरान के खिलाफ है। और कहा जी कुत्ते मुराकबे में चले गए, ये मुराकबे सजदे रुकू ये इंसान का काम है, ये जानवर का काम नहीं है, ये कुरान के खिलाफ है। मैंने कहा कुरान के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। उठा सूरतुल काफ 15वां पारा, असहाबे काफ जब निकले हैं, असहाबे काफ भी थे साथ उनके कुत्ता भी था। कुरान कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़राइही बिल बसीर, उस कुत्ते की तारीफ की है, अगर वो कुत्ता नाकिस था
कुरान मदा क्यों करता है? कामिल था तभी तो मदा की है। तेरे जेन में उलझन ये है, इंसान कामिल है, कुत्ता नाकिस है। मैंने कहा हाँ हाँ मैं मानता हूँ, जब कुत्ते का मुकाबला इंसान से हो ये हमेशा नाकिस रहता है, लेकिन जब कुत्ते का मुकाबला कुत्ते से हो तो दूसरे कुत्तों की निस्बत ये कामिल होता है। हकीमुल उम्मत थानवी ये नहीं कहते वो कुत्ता इंसानों से कामिल था, फरमाया वो कुत्ता दूसरे कुत्तों के मुकाबले में कामिल था। तो कुत्ते का मुकाबला कुत्ते से होता है, इंसान का मुकाबला इंसान से होता है। आपके यहाँ एक ऐसा जो साहब आ जाए, बड़े शरीफ हूँ, रिश्वत वो नहीं लेते, शराब वो नहीं पीते, ध्यानदारी से काम करते हैं, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते, ये मौलाना साहब के हैं। जलसे उन तारीख मांगी है, उस वक्त मांगा, उन्हें मंजूरी दी है, कहा जी मंजूरी भी देता हूँ, सिक्योरिटी भी देता हूँ, आपके मौलाना की हिफाजत भी करता हूँ, को मेरे दिल में सही काम है तो बताओ। ये कहेंगे भाई ऐसा जो बहुत बड़ा नेक इंसान है, तुम कहोगे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नेक कैसे, नमाज नहीं पढ़ता, नेक कैसे। ये जो इसको नेक कहा ना, इसको नेक शेखुल हदीस के मुकाबले में नहीं कहा, दाढ़ी वाले के मुकाबले में नहीं कहा, ये जो एसएचओज है ना उनके मुकाबले में कहा ये नेक आदमी, नहीं समझ आई, उनके मुकाबले में नेक आदमी है। एक एम एन ए शराब पीता है कि नहीं पीता, नमाज दोनों नहीं पढ़ते तो नेक कौन होगा, शराब नहीं पीता भी नेक आदमी। एक आदमी शराब भी पीता है, सूद भी खाता है, नमाज भी नहीं पढ़ता, दोनों है मैंने, लेकिन एक जुलम करता है एक नहीं जुलम करता, हम कहेंगे नेक आदमी है, गरीब पे जुलम नहीं करता, बात तो इतनी है। तो हकीमुल उम्मत थानवी ने फरमाया कुत्ता कामिल है वो इंसान के मुकाबले में नहीं, ये कुत्ता कामिल है दूसरे कुत्तों के मुकाबले में, और ऐसे कुत्ते को तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, तो कुरान की तर्दीद कैसे करेगा। तो उन्हें कहा जी मुराकबा कुरान के खिलाफ, मैंने कहा एक लफ्ज मुराकबा है, एक लफ्ज सजदा है, सजदा कहते हैं वज़ुल जबाते अल अर्ज़, और मुराकबा गर्दन झुकाना, मुराकबा नाम है गर्दन झुकाने का, सजदा नाम है गर्दन को जमीन पे टिकाने का। मैंने कहा तू कहते है कुत्ता मुराकबा नहीं करता, जानवर मुराकबा नहीं करता, मैं कहता हूँ जानवर सजदे करता है। कुरान करीम में है अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ वश्शम्सु वल कमरो वल नुजूमो वल जिबालो वल शजरो वल दवाबो। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को सजदे आसमान वाले जमीन वाले करते हैं, शमसो कमर करते हैं, और शजर दरख्त करते हैं, और वद दवाबो ये जानवर भी सजदे करते हैं। कुरान कहते हैं सजदे करते हैं, तू कहते हैं मुराकबे भी नहीं करते, तो जो सजदा कर सकता है मुराकबा नहीं कर सकता। हकीमुल उम्मत थानी पर एतराज तूने किया है, दिफा खुदा के कुरान ने किया। अल्लाह का कुरान देवबंद वालों को छोड़ता नहीं है, इनका ख्याल करता है। नंबर दो, बहावलपुर मुबारकपुर एक कस्बे मेरा बयान था, बयान के बाद दो स्कूल टीचर आ गए, हम पहले तबलीग वाले थे देवबंदी थे, मसलक बदल गए हैं। मैंने कहा बदल जाओ, कौन सा हर बंदे ने जन्नत में जाना है, शौक से जाओ, हम तो मना थोड़े करते हैं, हर बंदे ने जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह चाहता सबको हिदायत देता, सबको हिदायत नहीं देनी, हमें कोई टेंशन नहीं आपके फिसलने का, लेकिन आप बचा तो बताओ ये क्यों हो, बचा बताओ। मुझे कहने लगा हम इसलिए गए हैं, हम तबलीग में वक्त लगाते थे, फजाइल सदकात फजाइल अमाल फजाइल हज की तालीम कराते थे, फजाइल हज की तालीम कराई, उसमें कुफर नजर आया, हमने कुफर को खैर आबाद करके हम पक्के ईमान वाले बन गए। मैंने कहा वो कुफर हमें दिखाओ ताकि हम भी उस कुफर से तौबा कर लें। कहने लगा जी कुरान फजाइल हज में है, एक अल्लाह के वली हज पे जा रहे थे, रास्ते में बीमार हो गए, इलाज के लिए दवा नहीं है, इलाज वाला तबीब नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह मेरे इलाज का इंतजाम फरमा दे। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसने इलाज किया, दवा दी, और साथ ये फरमाने लगे मैं फलां वली हूँ जो दुनिया में फौत होके जा चुका था, तो उन्हें दुआ मांगी है, मुझे खुदा ने तेरे इलाज के लिए भेज दिया है, कयामत से पहले दुनिया में किसी का आना ये कुफर है, हम नहीं मानते। मैंने कहा जिसको तूने कुफर कहा अगर ये कुरान में हो तो फिर मान लेगा, अगर कुरान में हो तो फिर कुरान को छोड़ देगा। मुझे कहते कुरान में है, मैंने कहा बताना मेरे जिम्मे, कुरान को छोड़ना तेरे जिम्मे। कहा जी नहीं नहीं, मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैं आयते गिनता हूँ पढ़ता हूँ, तू गिनता जा। कुरान करीम में पहला पारा सूरह बकरा में है,
कि बनी इसराइल का बंदा कत्ल हो गया, कातिल मिलता नहीं था। हज मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, कातिल कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने बता दिया इन्हें को गाय ज़बह करो, शॉर्टकट पूरा किस्सा नहीं सुना रहा, गाय ज़बह करो, ज़बह शुदा गाय का टुकड़ा मक़तूल के साथ लगाओ, ये जिंदा होकर बताएगा कातिल कौन है। चाहे ज़बह की ज़बह शुदा गाय का टुकड़ा मैयत मक़तूल के साथ लगाया, वो जिंदा हो गया और बताया कातिल कौन है। मैंने कहा लो पारा नंबर एक कुफर आ गया, छोड़ दो पारा नंबर एक को, मैं पारा नंबर दो पढ़ता हूँ। बनी इसराइल का वाकया, कई हजार लोग थे वो जा रहे थे, जंग से डरे या कोई और वजह थी, तौम थी, डर के भागे जा रहे थे। फकाल लहुमुल्लाहु मूतू, उनको खुदा ने मौत दी है। और बंदे कितने थे? अलम तरा इलल लजीन खरजू मिन दियारहिम वहुम उलूफुन, अल्फुन नहीं उलूफुन, एक होता है एक, फिर दस, फिर सौ, फिर हजार, फिर हजारों। कुरान करीम कहते हैं उलूफुन, वो कई हजार थे, खुदा ने मौत दी है फिर जिंदा किया है। हजरत शेख ज़करिया ने एक की बात की है तो वो छोटा कुफर होगा ना, और जब हजारों दुनिया में आए तो बड़ा कुफर होगा। छोड़ दूसरा पारा, मैं तीसरा पारा पढ़ता हूँ। कुरान करीम में है तौकल्लज़ी मर्रा अला क़रिया वहिया ख़ाबियतुन अला उरूशिहा, उज़ैर गुजर रहे थे एक बस्ती से गुजरे, तबाह शुदा थी, पूछा अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इसको कैसे आप जिंदा करेंगे? फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बासा, खुदा ने एक साल के लिए मौत दी फिर जिंदा कर दिया। मैंने कहा क्या ये कुफर है? मैं आगे चलता हूँ। मुझे कहते जी नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कभी तो मैंने तीन आयतें पढ़ी हैं। मुझे कहने लगा मौलाना साहब वो हजरत मूसा हजरत उज़ैर फला नबी का मौजजा था। मैंने कहा ये वली की करामत है, देवबंद वाले वली का मौजजा भी मानते हैं और देवबंद वाले वली की करामत भी मानते हैं। मानते हैं या नहीं मानते हैं? फर्क क्या है? लोग हमें समझे नहीं है कि देवबंद वाले वली नहीं मानते, करामत नहीं मानते, झूठ मत बोलो। फर्क यह है देवबंद वाले वली की करामत मानते हैं, वली से नहीं मांगते, वली की करामत मानते हैं और वली के खुदा से मांगते हैं। करामत वली की मानते हैं और मांगते वली के खुदा से हैं। हज़रत मरियम बगैर मौसम के फल खा रही है, ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, दरवाजा खोला, बगैर मौसम के फल देखा, पूछा या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये फल बगैर मौसम के कहां से आ गया? कहा हुआ मैंने इंदिल्ला खुदा की तरफ से आया है। ईसाइयों ने भी देखा मरियम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, माई बगैर मौसम के फल खा सकती है, हमें भी दे दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, सजदे में गिर गए, अल्लाह बगैर मौसम के इस मरियम को फल दे सकता है, मौसम मेरा भी नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ, औलाद का फल मुझे भी दे दे। पता चला मरियम बली की करामत को ईसाइयों ने देखा, मरियम से मांगा, ज़करिया ने बली मरियम की करामत को देखा, बली के खुदा से मांगा। बली की करामत को देख के बली से मांगना ईसाइयत है और वली की करामत को देख के वली के खुदा से मांगना इस्लाम है। हम करामत मानते हैं, क्यों नहीं मानते? झूठ मत बोलो, हम मानते हैं करामत, वली भी मानते हैं, करामत भी मानते हैं, लेकिन उसे वली नहीं मानते जो नमहरम से पौंद बोए, उसे वली नहीं मानते विलायत के नाम पे लड़कियों की कमर पे थपकियां देकर फूंक मारे, हम नहीं मानते ना। विलायत ये नहीं है, ये तो विलायत के नाम पे शैतानत है। हम विलायत मानते हैं कि नहीं मानते? मैं सिर्फ ये क्या बता रहा था कि जब कुरान पर एतराज तो दिफा देवबंद वालों ने किया है और जब एतराज देवबंद वालों पर दिफा अल्लाह के कुरान ने किया, ये है अजमत कुरान। मैंने आपसे कहा था ना आपने यूं कभी नहीं सुना जैसे हमने सुनाना है। अब मैं एक सवाल करके बात खत्म करता हूं, मुझे बताओ मैंने इस बयान में आयात पढ़ी है कि नहीं? बोलो। अब मेरे बाद कोई झूठ बोले कि ये देवबंद वाले आयतें नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है? कुछ थोड़ी सी आप भी हिम्मत करके जवाब दिया करो, कुछ आप भी हिम्मत करो। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरी आपसे आखिर में गुजारिश है, थोड़ा सा एहतमाम कर लो। आप में से वो हजरात जो मीडिया से मुंसलिक हैं, हमारा फेसबुक पे पेज है अहनाफ मीडिया सर्विसेज के नाम पर, आप उस पेज का विजिट करो, अहनाफ मीडिया सर्विसेज के नाम पर। और अगर आप तो वेबसाइट देखते हैं तो hanafmedia.com हमारी वेबसाइट है, आप इसको देख लो। और अगर आपके यहाँ व्हाट्सअप है मोबाइल में तो व्हाट्सअप सर्विस हमारी लगा लो, आप आज लगाओ, दो दिन बाद आपके पास इंशाल्लाह बयान आ जाएगा बगैर एक रुपया खर्च करने के। रोजाना आपको 10 मिनट का बयान मिलता रहेगा रोजाना,
ये सबसे आसान है कि नहीं? तो जिनके पास व्हाट्सएप है ना मोबाइल, मैं व्हाट्सएप का नंबर लिखा तो सर्विस का, वो आप नंबर लिखें 0304, मतलब नंबर मुझे जबानी याद पता नहीं है कि नहीं, 0304 लिखाओ, हाँ लिख लो 610 99 56 0304 610 99 99 आगे 5656। इसको आपने अहनाफ मीडिया के नाम से सेव करना है, समझ लो सेव करना है अहनाफ मीडिया के नाम पे सेव हो गया। फिर इस व्हाट्सएप पे अपनी व्हाट्सएप से मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप से मैसेज करना है। मसलन मेरा नाम, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मसलन मौलाना शेर बोल रहा है, क्या नाम है, यही कर दे कोई आगे जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद लियार सकरंड वजीला नवाब शाह सिंह, बस ये लिख के भेज दे। दो तीन दिन बाद आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी, घर बैठ के आप रोजाना दलाल दे, घर बैठ, इससे सस्ता काम हो सकता है। हमने बिहम्दिल्लाह ताला देवबंद की तरफ से किफाया अदा कर ली, पोस्टर चाहिए हम देंगे, किताबें चाहिए हम देंगे, कोर्स चाहिए हम कराएंगे, व्हाट्सएप चाहिए हमारे पास है, फेसबुक खोलो हम बैठे हैं, आप किसी टीवी को खोलो हम वहां बैठे हैं, इससे ज्यादा हम आपकी खिदमत कैसे कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह आपको ये गिले नहीं रहेंगे कि देवबंद वाले किसी महाज से पीछे हैं, हमने मौलाना से कहा असेंबली आप संभाले कि निचला मैदान हम संभालते हैं, वहां की बक बक के जवाब आप दे, यहाँ की बक बक का जवाब हम देते हैं। यकीन करें मेरी इलेक्शन मसला नहीं है, आप में से वो हजरात जो मेरे इलाके में कभी आए ना, आप मेरे इलाके में हैसियत देखे, मैं अपने गाँव का नंबर डालू, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MN की गाड़ी मुझसे छोटी है, मैं मजाक नहीं करता, मेरे गार्ड उसके गार्ड मुझसे कम है, नंबरदार हूँ, गाड़ियां हैं, पैसा है, खुदा ने हर चीज दी है, इलेक्शन तो मसला ही नहीं है। हम तो इसके तार नहीं, मुझे साथी कहते हैं, मैंने कहा जब इलेक्शन असम्बली में चला गया तो ये माजरा रहेगा, हम इस महाज के लिए असम्बली छोड़कर बैठे हैं, इसलिए हम कहते हैं मजबूत करो जमीयत असम्बली में जाए, हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह और भरपूर करेंगे इंशाल्लाह अजीज, ये हमारा काम है। ये जो आपने मसले पूछे हैं ना, इसका मुझसे ताल्लुक नहीं है, जो बंदा मिर्ज़ाइयत के खिलाफ काम करे उससे वो पूछो, जो शिया के खिलाफ करे उससे वो पूछो, जो मैं करूँ उससे मुझसे पूछो, बात समझ आ गई। ये मैं क्यों कहता हूँ, बाद लोग मसाइल नहीं पूछते, जानबूझ के छेड़ते, और ये चिट्ठे सुनने नहीं देता, गैर मुकल्ले देते, बीमारी जान छूटे मौल साहब इधर शुरू हो जाए, समझ गए, कभी बरेलियों के खिलाफ, कभी शियों के खिलाफ, कभी किसी और के खिलाफ, हमारी जान छूटे, मैंने कहा भी 2-4 साल तुम्हारी बारी है, जरा तुम्हें हम थोड़ा सा सेट कर लें, आगे फिर देखेंगे क्या कर रहे हैं। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बाकी मेरी तलबा से गुजारिश है, विफाक के इम्तिहान जुमेरात खत्म होता है, हफ्ते को 7:30 बजे हमारा कोर्स 12 दिन का शुरू हो जाता है, अवाम हमारी पहली जुमेरात से लेकर इतवार 9 बजे तक हर महीने कोर्स होता है, आप उसमें शिरकत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम चले जाओ और मैं दुआ शुरू करता हूँ, शाबाश, तुम घर जाकर सो और मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगता हूँ, ये मेरे से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि वअला आलिहि वसहाबी अजमईन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, जायज़ हाजात को पूरा फरमा, या अल्लाह मुश्किलात को दूर फरमा, या अल्लाह रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमा, जिन हजरात ने जलसे का अहतमाम किया है शायान शान अजर अता फरमा, हमें मसले की खिदमत के लिए कबूल फरमा, या अल्लाह हर महाज पे दलाइल की तौफीक अता फरमा, खात्मा खैर पे फरमा, खबर के अजाब से महफूज फरमा, है अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमा, रसूलुल्लाह सल्लम की शफात नसीब फरमा, आपके मुबारक हाथों से जामे कौसर अता फरमा, अल्लाह जो दुआएं मांगी अपने करम से कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, दूर दराज से ये लोग तेरे दीन को सुनने के लिए आए हैं, इनका आना कबूल फरमा, इस दीनी मजलिस की बरकत से इन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, इनकी हाजात को पूरा फरमा, अल्लाह के साथ मोहब्बत वाला मामला फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सबको सलाम किया था कि आपको मुसाफिर की तकलीफ ना हो।